अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो चैनल पे नए आने वाले लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लगता है नीचे जो ना हसन रो रहा है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है। तो खैर गाइस, आज जो है ना जैसे ट्यूसडे है और आज जो ना बड़ी दिक्कत होती है मुझे उठने में, क्योंकि मंडे को छुट्टी होती है तो लेट उठता हूँ ना, तो रात को नींद नहीं आती और रात को नींद नहीं आती तो सुबह उठा नहीं जाता, जैसा कि आज और हर ट्यूसडे मेरे साथ होता है। तो इस वक्त 10 बजने में ना सिर्फ 15 मिनट रहते हैं और मुझे ऑफिस पहुँचना है 15 मिनट में, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा यहाँ पर। तो मिलते हैं गाइस आपसे ऑफिस पहुँच के, इंशाल्लाह आराम से जाएंगे और टाइमली पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस कुछ ही लम्हे बाद। गाइस पहुँच, अभी टाइम देखते हैं, 10 तो नहीं बजे है, बचत हो गई भाई, बचत हो गई। तो गाइज ऑफिस से घर पहुंचने के बाद मैं गया था सो कुछ देर के लिए, और अभी उठाऊँ, अभी उठ के सबसे पहले तो जिम जाने लगा हूँ और जिम का बैग जो ना अभी मैंने पैक किया है। सर्दियों में जितना भी सो लो ना तो आपकी नींद जो ना पूरी नहीं होती। हालांकि सुबह जो ना मैं 9 बजे उठा था और 10 बजे ऑफिस पहुंचा हूँ एक घंटे में, और जो ना ठीक ठाक रहा हूँ और फिर जो ना ऑफिस से आने के बाद फिर सो गया। सर्दियों में बहुत ज़्यादा नींद आती है भाई। तो खैर अभी जल्दी से पहुँचते हैं जिम और मिलते हैं आप सबसे। गाइज जिम पहुँच गए ही, जिम गए हैं पाँच और जो सीढ़ियों पर ना क्या ठंडी हवा चल रही थी इस टाइम, तो सर्दी और बस की ठंडी हवा, और अभी जो है ना मेरे पास 48 बजे से 11 बजे जाएगा जिम क्लोज। तो जल्दी से मेरा चलते हैं बीच यार, 45 मिनट है ना, 11 बजे बताते हैं। सॉरी, अच्छा वैसे सर्दियों में क्रश कम हो गया यार। यार सर्दियों में नहीं, आज आज क्या है कम होता है, मंडे को ज़्यादा होता है और ट्यूजडे या थर्सडे को ज़्यादा होता है। अच्छा अभी आप क्या करो यार, एक्सरसाइज करा दो यार, आज चलते नीचे करते हैं। चलो मैं जा रहा हूँ वार्म अप करता हूँ। चला गए भाग गए, चले गए, अरे मतलब चले गए, ऑफ हो गई ना, ऑफ हो गए। So guys, 12 बज चुके हैं, सब जो है निकल ही रहे हैं क्रिकेट खेलने में भी। तो चलिए जी, आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा गुजरा है, आज चला नहीं थे लेकिन हमारे फ्राइडे निकल पाते। वैसे जिम में रश ना होना तो जल्दी एक्सरसाइज भी होती और मज़ा भी होता है, वरना रश होता ना तो मशीन और जो है ना डंबल्स के वेट करते रहते हैं। हाँ ठीक है, तो भाई लाइट्स ऑफ करने वाले हैं, अभी चलते हैं। तो गाइस अभी जिम से बाहर निकले और जिम के बाद जो है सन्नाटा छा गया, जबकि इस वक्त जो है ना 11 बज रहे हैं। सर्दी आने की वजह से लगता है कराची शहर जो है ना जल्दी सो जाता है, और वैसे ये टाइम अच्छा है सर्दियों की वजह से, मेरे ख्याल से लोग जिम भी बहुत कम आ रहे हैं और रश ना होने के लिए जल्दी से फ्री भी रहते हैं। टीवी पर इतना सन्नाटा नहीं था, रात 11 बजे हुआ टीवी होती है। गर्मियों की बात करो लेकिन अब सर्दियाँ हैं ना, तो अभी इसी तरह जो ना रात को सन्नाटा ही छाया होगा। कब से खुली थी आपकी? 24 घंटे? वाह यार, बंद ही नहीं होती भाई, वाह ज़बरदस्त है। 24 घंटे खुली होती है, हमने भाई होटल भी खुला होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर 24 घंटे खुला होते हैं, कोई कमी नहीं खुला होती। हमने यहाँ पर फूड चार्ज रखी है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है जो है मेरा जो ना केला खजूर शेक रेडी हो गया, जैसे जल्दी से पहुँचाते हैं घर निकलते हैं। अभी घर पहुँचाऊँ और गेट जो है ना बंद है और गेट के बाहर जो है ना भाभी बैठी हुई है। क्या निकाल दिया? हाँ निकाल दिया, चाबी नहीं है तो आपने लॉक क्यों नहीं किया? अच्छा तो आप ऐसे बैठी रहती, और आमिर का आपके पास चाबी नहीं है, आमिर का पता नहीं है और आप लॉक भी नहीं कर रही? नहीं, अगर मतलब मैं नहीं आता तो आप बैठी रहती, और क्या बैठ रही?
कहाँ से आ रही हो वैसे? ये सामान वगैरह लेके आ रही है और आपने चाबी देना भूल गया आपको। वाह भाई क्या बात है। तो वही मैं देख रहा हूँ इस टाइम पत्नी है बैठी कौन हुई है, फिर देखो ये भाभी है। तो चलो भाई आ जाओ अंदर आ जाओ। खुल गया, खुल जा सिम सिम, खुल गया दरवाजा। चलिए जी अभी जो ना थोड़ा बहुत आस्था हो गया, मैंने जो शेक किया था केला खजूर, और अभी कुछ डिनर में देखें क्या बना हुआ है। कुछ बना हुआ है सालन वगैरह? क्या लेके आए आप? सब्जी लेके आई। बहस करते हैं गाइस और उसके बाद कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। गाइस जब से मैं जिम बैग कैरी करने लगा ना तो मुझे जो ना किसी और बैग की जो ना अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मुझे कोई और दिल नहीं करता बैग उठाने का, जैसा कि मैंने ये वाला ना, हालांकि ये वाला ज़्यादा महंगा है और क्वालिटी वाइज अच्छा है और लैपटॉप कैरी करने के लिए भी है। तो लैपटॉप तो वैसे भी ऑफिस से कैरी नहीं करता, कोशिश करता हूँ भाई जो भी ऑफिस का काम है ऑफिस में ही है ना उसी वक्त जो है ना मतलब रैपअप करके निकल जाऊँ, बाद में टेंशन ही ना हो घर आके जो ना फिर पेंडिंग काम वगैरह। पहले करता था अभी नहीं करता क्योंकि अभी जो ना सारा काम जो ना ऑफिस में निपटा के रैपअप करके लोकर में लैपटॉप रख के आया था। तो सीन ऐसे हैं कि भाई जब से ये बैग लेना, ये मतलब अलमारी लिए, सॉरी बैग नहीं अलमारी लिए, तो इसमें जो ना काफी सारा सामान आया था और बाकी बहुत कम्फर्टेबल है। दूसरा बैग लेना है लेकिन एक मेरे साथ जो ना ब्लंडर हो चुका है, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी लेकिन वो जो ना डिलीवर नहीं हुआ, तो एक ब्लंडर हो गया। तो खैर अभी जो है ना मुझे खुद ही मार्केट विजिट करना पड़ेगा और एक और नया बैग लेना क्योंकि इसकी जो ना काफी खस्ता हालत। एक तो ये चीप प्राइस मिला था, बहुत सस्ता मिला था और जो ना 1000 रुपये का मिला था, तो इसने अपने ना पैसे पूरे कर लिए, बल्कि ज्यादा कर लिए क्योंकि 1000 रुपये में इतना ज्यादा चला है। तो अभी नया बैग लेना है लेकिन उसके लिए जो ना मार्केट विजिट करनी पड़ेगी, अब जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो भाई ये बैग जो ना मेरे किसी जरूरत का नहीं है और ये बैग जो है ना मैं भाभी को दे रहा हूँ, ये आप रख लें। आप जो ना अभी स्टडीज कंटिन्यू करेंगे ना तो आपके काम आएंगी किताबें शिताब रखने के लिए। वैसे यहाँ पर जो ना आजकल ट्रेंड है ये जो ना ये लड़कियां भी यूज करते हैं, लड़के भी, इसमें ये नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए, लड़के लड़के दोनों यूज करते हैं। नहीं ये लड़कियां लड़के दोनों इस्तेमाल करते हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़की है ना तो वो ऐसे ही बैग पे लैपटॉप के लिए कैरी करती है, तो इसमें आप जो है ना अपनी किताबें शिताबें रख सकती हैं। ठीक है। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो बखैर एंड वेलकम हो गया जी टू द सेम व्लॉग। तो जी कल रात को व्लॉग एंड किए बगैर मैं सो गया था क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में अगर बंदा कुछ भी बात करते ना तो दूसरे रूम तक आवाज़ आती है, और रात को अम्मी सो रही थी और इसी वजह से जो है ना मैंने जो है ना और जिम से आने के बाद मिल्क शेक और डिनर जो है ना बाहर किया, क्योंकि घर में कुछ भी अगर मतलब हल्की फुल्की बात करें ना तो दूसरे रूम तक आवाज़ गूंजती है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और पंखे शंखे सब बंद होते हैं और आवाज़ जो है ना अगर मैं उस वक्त शेक बनाता ना घर में तो पूरी बिल्डिंग जो है ना उड़ जाती, तो इसलिए जो ना मैंने बाहर से पी लिया था। और काफ़ी लेट भी हो गया था जिम से आते हुए घर के, 11:30 तक जिम से निकला था और घर पहुँचते हुए 12:15 हो गए थे, तो इसलिए जो ना मैं बाहर से जो ना शेक पी के आ गया था। बाकी डिनर भी थोड़ा बहुत जो ना हल्का फुल्का बाहर से कर लिया था और उसके बाद जो ना अच्छे बच्चों की तरह सो गया था क्योंकि सुबह ऑफिस के लिए उठना था। तो खैर कल जो है ना कोई 10 बजे पहुँचाऊँ लेकिन आज जो है ना मुझे ऑफिस 8:30 बजे जाना है और 4:30 बजे ऑफिस से रुख्सत हो जाएंगे क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट होती है। व्लॉग एंड करने के साथ साथ आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि शादी पर बहुत बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो इसीलिए जो है ना मैं चाहता हूँ इसको मज़ीद जो है ना डिले मत करूँ और जो भी सरप्राइज़ देना है वो जल्दी से दे दूँ। तो भाई सीन ऐसा है कि मेरा फ़ाइनल डिसीजन और जो सरप्राइज़ है वो आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो कुछ ही दिन में जो है ना मतलब कुछ ही दिन से मुराद थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, इसी वीक जो है ना इसी वीक संडे से पहले इंशाल्लाह आप लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा। जो भी सरप्राइज़ होगा वो आपके साथ जो है ना शेयर होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप सब भी जो है ना डेली मैसेजेस करते हैं और जो है ना कमेंट्स करते हैं, तो जो भी मेरा फ़ाइनल डिसीजन है और जो भी फैसला लिया है तो उम्मीद करता हूँ आप जो है ना उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है कि अब्बू जो है ना काफ़ी अरसे से विलेज गए हुए हैं और किसी इंपॉर्टेंट काम से भेजा था उन्हें, तो खैर वो भी वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उन्हें भी जो है ना वापस बुलवा रहा हूँ। लेकिन जो है जैसा कि मैंने बताया कि जो फ़ाइनल डिसीजन है और जो सरप्राइज़ है वो आप लोगों को कुछ ही दिन बाद जो है ना मिलने वाला है, ज़्यादा मतलब डिले नहीं होगा
और जो है ना इसी वीक इंशाल्लाह आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा। तो बंदे रहेगा, जो भी होगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला आसानी करेगा हर किसी के लिए। तो आप सबसे भी यही इल्तिजा है कि आप सब भी दुआएं कीजिएगा। और यहीं करता हूँ आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।